कराची यूनिवर्सिटी धमाके की तहकीकात तेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दिल्ली कॉलोनी में छापा मारा। घर से अहम दस्तावेजात और लैपटॉप तहवील में ले लिया गया। जराए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने 3 माह कबल दिल्ली कॉलोनी में घर लिया था। शार बलोच का गुलिस्तान जौहर में फ्लैट और स्कीम 33 का घर सेल कर दिया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खवातीन अरकान ने धमाके की मजम्मत कर दी। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके के बाद तहकीकात, सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली कॉलोनी में छापा, अहम दस्तावेजात और लैपटॉप तहवील में ले लिया गया। सराय के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने 3 माह कबल दिल्ली कॉलोनी में घर लिया था। खुदकुश हमलावर हमले से कुछ रोज कबल सारे घर को खाली कर चुकी थी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। जेरे हिरासत अफराद से मिलने वाली लीड्स और हासिल होने वाली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पर मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इससे कबल तहकीकती टीम बम्बार तून के गुलिस्ताने जौहर में फ्लैट पहुंची थी और तलाशी के बाद उसे सील कर दिया था। स्कीम 33 में भी शारी बलोच के वालिद के घर पर छापा मारकर सील कर दिया। लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।